एवरीवन, दिस इज रितो एंड आज हम बात करने वाले हैं कि आपके लिंग के नसें खराब क्यों होती है, इसके पीछे क्या वजह होती है। काफ़ी सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो पहले सेक्सुअल हेल्थ में जिनको कोई दिक्कत नहीं थी, पर धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ढीलेपन को महसूस कर रहे हैं, सेक्स वो कर ही नहीं पाते, टाइट ही नहीं होता, होता भी है तो ढीला पड़ जाता है। इसके पीछे एक खास वजह होती है कि उनके लिंग की जो नसें होती है वो हो सकता है खराब हो रही है या फिर खराब हो चुकी है। तो इसके पीछे क्या वजह है, वही आज हम इस वीडियो में एलिब्रेटली बात करने वाले हैं। पर दोस्तों, एलिब्रेटली बात करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो बहुत ही लंबी होगी, शॉर्ट होने वाले हैं, इसलिए अंत तक ज़रूर देखना है वीडियो। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स के चक्कर लगाते लगाते काफ़ी लोग होते हैं जो थक जाते हैं दोस्तों। तो ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो आइए फटाफट बात करते हैं कि क्यों लिंग की नसें खराब हो जाती है। सबसे पहले आपके भ्रम को दूर करते हैं, और वो ये है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि ज़्यादा मात्रा में मास्टरबेट करने से अक्सर लिंग की जो नसें खराब होती है। दोस्तों, मास्टरबेशन अपने आप में ही एक हेल्दी प्रोसेस है, तब तक जब तक आप इसको नेचुरल तरीके से करते हो, यानी कि आपके शरीर में भूख आई, डिज़ायर पैदा हुआ और आपने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, प्रेशर दे के नहीं, एडिक्टिवली नहीं, कुछ भी मतलब कि उसको हार्म पहुंचा के नहीं, बिल्कुल प्यार से, जैसे कि आप अपनी बीवी के शरीर में हाथ फेरते हो, वैसे अगर आप अपने लिंग के ऊपर हाथ फेरते हो ना, तो कभी भी आपको मास्टरबेशन से नुकसान नहीं पहुंच सकता। अदरवाइज मास्टरबेशन का एक घटिया तरीका ये होता है, ब्रूहे प्रॉन मास्टरबेशन, जिससे आपके लिंग की नसें खराब हो सकती है। वो क्या तरीका है, मैं एलिब्रेटली मैंने किसी और वीडियो में शेयर किया है, छोटे में बता देती हूँ। वो ये है कि अगर आप किसी हार्ड सर्फेस के ऊपर रगड़ के, फ्रिक्शन लगा के, कुछ लोग होते हैं जो बेड पे रगड़ते हैं, कुछ लोग होते हैं पिलोस में, कुछ भी मिल जाता है उसके ऊपर रगड़ के मास्टरबेट करते हैं, जिससे धीरे धीरे उनके लिंग के नसें खराब हो जाती है और इरेक्शन में भी मतलब कि वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये आपके लिए नुकसान कर सकता है। अदरवाइज नॉर्मल मास्टरबेशन हेल्दी तरीके से करो, कभी नहीं होता, एडिक्टिवली ना करो। तो क्यों होती है खराब? सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि अगर आप डिप्रेशन का शिकार हो, क्योंकि दोस्तों जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हो, आपको अगर एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस में होते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन करते हो, तो इससे आपकी नींद की कमी होती है, इससे ब्रेन काफ़ी सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो कि आपके लिंग के नसों के लिए अच्छा नहीं होता, ख़ास तौर से जब आपकी नींद की कमी होती है। काफ़ी लोग होते हैं जो रात भर भर दोस्तों ऐसे ही, मतलब अभी भी स्ट्रॉन्ग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, रात जग जग के वेब सीरीज़, मूवीज़, ये वो देखते रहते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ या लड़कियों के साथ चैटिंग करते रहते हैं, काम करते रहते हैं रात भर, नाइट शिफ्ट भी होती है काफ़ी लोगों की, तो उस केस में नींद की कमी हो जाती है। तो डार्क सर्कल तो प्लस पॉइंट है, वो अलग बात है। बॉडी हमारी कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन नाम का एक ऐसा केमिकल हार्मोन रिलीज करता है जो आपके नसों के लिए अच्छा नहीं होता, ये आपके ब्लड फ्लो में इफ़ेक्ट करता है, धीरे धीरे आपकी नसें सिकुड़ने लगती है, जिससे धीरे धीरे ये प्रॉब्लम होती है कि आपके लिंग की नसें डैमेज होने लगती है। इसके अलावा किसी भी तरीके की चोट, कोई भी रीज़न हो सकता, जिससे आपके लिंग में कभी किसी भी तरीके से चोट लगी हो, जिसकी वजह से भी दोस्तों लिंग के नसों में खराबी आ सकती है। अदरवाइज़ बहुत प्रेशर से अगर आप मास्टरबेट करते हो, बहुत प्रेशर से, यानी कि फीमेल जो वजाइना होती है ना, वो वेट होती है और वो मॉइस्ट होती है, बहुत इलास्टिक होती है, स्मूथ होती है, तो वो अलग एटमोसफियर है ना। तो बट अगर आप अपने हाथ से करते हो ना, ये रफ है, टफ है, इसके ऊपर अगर आप ऐसे ग्रेप करते हो, प्रेशर डालते हो ना, तो इससे भी लिंग के नशे में खराबी हो सकती है। अब आप बोलोगे, मैम अभी तो आपने कहा कि मास्टरबेशन हेल्दी है, मास्टरबेशन तब हेल्दी है जब आप इसको हेल्दी तरीके से करते हो। अगर आप 17 साल की उम्र में सेक्स करोगे तो आपको कभी भी लिंग के नसों में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 17 साल की उम्र में मास्टरबेट करना भी अबनॉर्मल नहीं होता, बट उस उम्र में एडिक्शन बना लेना अबनॉर्मल है, ज़बरदस्ती करना अबनॉर्मल है, ज़ोर ज़ोर से करना अबनॉर्मल है, तो ये चीज़ों का ध्यान दें। अदरवाइज़ दोस्तों, काफ़ी सारे केस में ऐसा देखा गया है कि अगर आपकी हार्ट हेल्थ खराब हुई या किसी भी रीज़न से अगर आपकी हार्ट हेल्थ में प्रॉब्लम हुई, ब्लड फ्लो अच्छे से ना हुआ, तो उस केस में भी लिंग में सिकुड़पन की प्रॉब्लम हो सकती है, नसें खराब हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन की कमी से भी लिंग की नसों में खराबी आ सकती है, जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पाता इस केस में भी,
जो वेन्स होते हैं, नसें होती है, वो उसमें खराबी आप फील कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि आपके लिंग के नसों में खराबी आ रही है, पहले आपको इरेक्शन की इश्यूज बिल्कुल नहीं हो रही थी, अब हो रही है, अब आपको ढीलेपन की शिकायत हो रही है, उम्र भी कुछ खास ज़्यादा नहीं है, 30-35 के ही हो शायद, या 25-30 के ही हो, इस उम्र में तो दोस्तों आपकी सेक्स लाइफ सबसे अच्छी होनी चाहिए, आपकी सेक्स लाइफ सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। इस उम्र में अक्सर लड़के शादी करते हैं और एक एक दिन में 2-3 बार सेक्स करते हैं। तो इस उम्र में अगर आपको ढीलेपन की शिकायत हो रही है, तो आप समझ सकते हो कि आगे जाके इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। और सेक्स जो होता है ना, वो इसके पीछे अलग ही सिग्निफिकेंस है हमारे बॉडी के लिए, तो कि इसके अलग ही फायदे हैं हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे पूरे बॉडी, हमारी पूरी सिस्टम के लिए। सेक्सुअल प्लेजर मिलना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर आपको फील हो रहा है, यानी कि आप लग रहा है कि आप हाँ काम के प्रेशर की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो, घर में कोई तनाव है, झगड़े हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, तो उस केस में भी दोस्तों आप किसी अच्छे से काउंसलर से कंसल्ट करो, किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो, और आप मेडिकेशंस का सहारा ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि किसी तरीके की चोट आपको लगी है, या फिर आप बहुत प्रेशर से मास्टरबेट करते हो, तो इसको चेंज करो। आप रेगुलर बेस पे अगर पेनिस मसाज करते हो, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। रोज़ाना लिंग के मसाज से लिंग की जो नसें होती है, जो डैमेज होके रखी है, ब्लॉक होके रखी है, उसमें सुधार आता है। जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं लिंग के, वो ग्रोथ होती है, रिवाइव होती है, नए जो वेन्स होते हैं, नसें हैं, वो बनती है। पुरानी जो मसल टिश्यूज़ हैं, उसमें ग्रोथ आता है, वो रिवाइव होता है। इससे धीरे धीरे ये जो लिंग की नसें ख़राब होके रखी है, उसमें सुधार आता है, और धीरे धीरे आपकी ढीलेपन की प्रॉब्लम, या फिर ये जो आपकी पेनाइल हेल्थ है, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। अदरवाइज़ अपने डाइट में फोकस करें, बाहर खाना थोड़ा कम खाने की कोशिश करें, घर के खाने को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाएं। काफ़ी सारे ऐसे हर्ब्स होते हैं जो मदद करता है कि आपके शरीर में जो खून की मात्रा है वो बैलेंस रहे, वो खून का जो बहाव है वो भी बैलेंस रहे। जैसे कि आप हर्ब की बात करो तो शिलाजीत, अश्वगंधा, गोक्षुरा, सफ़ेद मूसली काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है लोगों के लिए। अदरवाइज़ अगर आपको डिप्रेशन है, तब भी आप अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हो, शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हो, यह आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। या फिर आप अगर खान पान की बात करो, तो इस गर्मी के मौसम में आप आम, अनार, तरबूज, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करो। आप थोड़ा ड्राई फ्रूट्स पर कॉन्सेंट्रेट करो, इससे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होती है, इससे आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, वो मेंटेन रहता है। और हाँ, कोशिश करो अपने बॉडी को रेस्ट देने की, रात के टाइम पे भरपूर नींद लेने की कोशिश करो। इससे गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपके ओवरऑल बॉडी फंक्शन को बैलेंस करता है, जिससे आपके लिंग की जो नसें हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है और वो ग्रोथ हो पाती है। दोस्तों, हमारे शरीर में जैसे वेन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, आपके लिंग में कोई हड्डी नहीं है जिससे वो स्ट्रांग बनेगा। आपके लिंग के अंदर जो टिश्यूज है, जो मसल्स है, वो स्पॉन्ज की तरह काम करता है, वो ब्लड को अब्सॉर्ब करता है। जो वेन्स होते हैं उसमें ब्लड फ्लो जाता है, जो नसें होती है वो एक्टिव होता है, जिसकी वजह से आपका जो लिंग है वो हार्ड होता है, टाइट होता है। तो वो अगर अच्छी तरीके से काम ना करे, तो आपकी ढीलेपन की शिकायत और बढ़ती जाएगी, और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि कभी भी टाइट नहीं होगा। तो इसीलिए अपने हेल्थ को अच्छा रखने की कोशिश करें और बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, या कम्युनिटी में भी शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।